असल में ये तेज़ हवा आई है और जो मेन तारें जो ऊपर चल रही हैं, मेन बड़ी तारें हैं चार, वो मतलब है वो तारें नरम होने की वजह से वो आपस में टकराई और आपस में चिपक गई हैं, जिसकी वजह से छोले नीचे गिरे हैं। फिलहाल छोले नीचे गिरे हैं, फिर एक दुकान को आग लगी और देखते ही देखते मतलब इतने लम्हा कि मुझे बाहर से आवाज़ आई है कि बाहर आग लग गई है, और मैंने बमुश्किल अपनी जान बचा के बाहर निकला दुकान से, और साथ ही मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई है, छोटा बेटा था मेरे साथ, उसको आवाज़ लगा के मैं बाहर आया हूँ। तो इसी इंतज़ार में मेरे साथ वाली तीन दुकानें और इस तरफ वाली दो दुकानों को आग समेट चुकी थी। मतलब ये मेन शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, तेज़ हवा आने की वजह से, तारें नरम होने की वजह से ये तारें चिपकी आपस में, तो उसके छोले गिरने की वजह से। अब मेरा ये मुतालबा है मौजूदा हुकूमत से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खसूसन कि ये हमारी सब कुछ जल गया इस वक्त, हमारा जो जमा पूंजी थी कुछ हम वैसे मकरूह थे लोगों के, क्योंकि कोरोना की वजह से कारोबार वैसे नहीं थे, लॉकडाउन चल रहा था उसकी वजह से हालात कुछ वैसे ढोन से कारोबार नहीं था, कुछ जो हमारी जमा पूंजी थी वो लुट गई है, वो ख़त्म हो गई है। अब ये हमसे अपील है इन लोगों से, गवर्नमेंट से और चीफ खसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए और हमारी भरपूर मदद की जाए। अच्छा ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि ये आग जो काबू पा गया, आपकी टीमें जो पहुंची है रेस्क्यू की टीमें, ये कितनी देर में पहुंची है, और ये नहीं समझते कि जो लोग आप लोगों ने मुआवजात कायम रखी हुई है जिसकी वजह से आज रेस्क्यू जो है उसको यहाँ पे आग बुझाने में मुश्किल चाहिए। मैं इस चीज़ की हल्फन अपनी दुकान की गारंटी देता हूँ कि मेरी एक इंच भी अगर दुकान बाहर हो तो जो सजा मुझे देना चाहिए मैं चौक में मुझे उल्टा लटका दें, मेरा कतल इनको माफ़ है। अगर मेरी दुकान की एक इंच भी, ये मुझे साबित करना कि मेरी दुकान एक इंच भी तजावजात से बाहर है, तजावजात में है, तो मैं अपना खून इन्हें माफ़ कर दूँ, मुझे चौक में उल्टा लटका दें। बाकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, बिल्कुल ठीक तजावजात लोगों ने की हैं, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी देता हूँ कि मेरी दुकान एक इंच साबित कर दे, कोई बाजार कोई नुमाइंदा मेरी दुकान एक इंच भी जवाब में साबित कर दिया। टोटल दुकानदार बैठे हैं और रिटेलर भी हैं, और कौन सी दुकानें जो मुतासिर हुई हैं, क्या चीज़ें बेचते थे, इसमें से मुतासिर हुए हैं, इसमें से गिरी कितनी है, चांद स्टेशनरी की दुकानें हैं, कुछ कपड़ों की दुकानें हैं और कुछ डेकोरेशन की दुकानें हैं, और कम से कम मेरा है 4 से 5 बिल्डिंगें गिरी हैं इसमें, जिसमें एक मेरी दुकान भी शामिल है और एक बेकरी शामिल है, एक मेरी दुकान भी है उसकी छतें गिरी हैं, मेरे साथ वाली दो दुकानें उसकी छतें गिरी हैं, मेरी दुकान से दो आगे की दुकान है उसकी छतें गिरी हैं, और मुकम्मल तौर पे एक मतलब आप कहेंगे एक तिनका भी नहीं बचा उसमें से, ये हालत है। ठीक हम मानते अल्लाह का शुक्र है, हम इस पे अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह के शुक्र गुजार हैं कि हमें एक खराश भी नहीं आई है, जहाँ तक अभी तक कोई खराश हमारे सामने नहीं है कि किसी आदमी को एक खराश भी आई हो। ठीक है नुकसान है, अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात हमारा नुकसान पूरा की करेगी, मगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारी खसूस दरख्वास्त है कि हमारी इमदाद की जाए, हमारी मतलब जो नुकसान हुआ है इसको पूरा किया जाए। शुक्रिया जी। बाकी